हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। तो आज के वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स कि अगर आप दिल्ली से DLED या JVT करना चाहते हैं फ्रेंड्स एंड गवर्नमेंट कॉलेज से अगर आप करना चाहते हैं तो इसके लिए फ्रेंड्स आपकी जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए एंड इसके लिए आपके 12th में कितने मार्क्स होने चाहिए। अब मैं सबसे पहले ये आपको बताना चाहूँगा कि जो दिल्ली में JVT या DLED जो होती है फ्रेंड्स वो मेरिट बेस पे इसका एडमिशन होता है। एंड अगर आप दिल्ली से JVT या DLED करना चाहते हैं या अदर स्टेट से करना चाहते हैं फ्रेंड्स तो उसके रिगार्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में आपको दूंगा। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं फ्रेंड्स गवर्नमेंट कॉलेज की कितनी क्या फीस होती है एंड क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है। सो फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि फ्रेंड्स अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं फ्रेंड्स तो दिल्ली में जो JVT DLED डाइट की जो सीटें हैं फ्रेंड्स 85% सीटें हैं वो ओनली फॉर दिल्ली के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए रिजर्व किया जाता है एंड 15% जो सीटें हैं फ्रेंड्स वो दिल्ली से बाहर अदर स्टेट के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए रिजर्व किया जाता है। एंड मैं आपको एक चीज़ ये भी बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि दिल्ली में जो है टोटल 1040 सीटें हैं गवर्नमेंट की। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं फ्रेंड्स कि दिल्ली में गवर्नमेंट कॉलेज की जो सीटें हैं टोटल 1040 वो काफ़ी कम है। एंड दिल्ली में जो प्राइवेट कॉलेज की जो सीटें हैं फ्रेंड्स वो कम से कम फ्रेंड्स 2000 के करीब है। सो फ्रेंड्स अगर आप दिल्ली से JVT या DLED करना चाहते हैं तो इसके लिए फ्रेंड्स आपके 12th क्लास में जो मार्क्स है वो कम से कम फ्रेंड्स 85% से अबव होना चाहिए। एंड मैं एक चीज़ और भी आपको बताना चाहूँगा कि दिल्ली में फ्रेंड्स DLED में एडमिशन के लिए कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है। आपके जो है 12th क्लास के जो मार्क्स है उसी के आधार पर जो है आपका एडमिशन होता है एंड मेरिट या फिर हम ये कह सकते हैं मेरिट बेस पे जो है एडमिशन दिया जाता है। 10th and 12th क्लास के जो मार्क्स हैं उसी को आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करना होता है एंड उसी के बेस पे जो है आपका मेरिट लिस्ट जारी किया जाता है। सो सबसे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि फ्रेंड्स दिल्ली में टोटल है 9 गवर्नमेंट कॉलेज एंड इसमें जो है 1040 सीटें हैं एंड फ्रेंड्स इसमें भी जो है सीटें जो है वो कैटेगरी वाइज जो है वो डिवाइड किया गया है, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। मतलब कि फ्रेंड्स जनरल के लिए कितनी सीटें रिजर्व की जाएगी, जनरल के लिए एंड SC ST के लिए मतलब रिजर्व कैटेगरी के लिए कितनी की जाएगी एंड फ्रेंड्स जो अदर जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो स्टूडेंट हैं उनके लिए कितनी सीटें रिजर्व की जाएगी। इस प्रकार फ्रेंड्स दिल्ली की जो गवर्नमेंट डायरेक्ट DLED कॉलेज है फ्रेंड्स तो उसमें सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार होता है। एंड फ्रेंड्स दिल्ली से अगर आप दिल्ली के गवर्नमेंट कॉलेज से अगर आप DLED या JVT करना चाहते हैं तो इसके लिए फ्रेंड्स कम से कम आपके 12th क्लास में 85% मार्क्स से अबव होने चाहिए क्योंकि फ्रेंड्स 2020 की कट ऑफ की अगर हम बात करें तो 93 गई थी जनरल कैटेगरी से एंड 2019 की जो कट ऑफ गई थी फ्रेंड्स वो 85 से अबव गई थी। ये SCRT दिल्ली DLED डाइट की मैं बात कर रहा हूँ। एंड अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कि गवर्नमेंट कॉलेज की क्या फीस होती है एंड प्राइवेट कॉलेज की क्या फीस होती है। तो फ्रेंड्स प्राइवेट कॉलेज की जो फीस होती है फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता है कि ये जो कोर्स है वो 2 years का है। तो फ्रेंड्स 2 years की अगर हम टोटल फीस की बात करते हैं दिल्ली की गवर्नमेंट डाइट कॉलेज की तो फ्रेंड्स टोटल फीस जो है 75,000 रुपीज़ अप्रोक्स है, मतलब कि 75,000 से 80,000 के बीच में है जो इसकी फीस है 2 years की टोटल प्राइवेट कॉलेज की। एंड अगर हम गवर्नमेंट कॉलेज की फीस की बात करें तो टोटल इसकी गवर्नमेंट कॉलेज की जो फीस होती है फ्रेंड्स वो लगभग 10,000 रुपये होती है, लगभग 10,000 रुपये गवर्नमेंट कॉलेज की फीस। तो गवर्नमेंट कॉलेज एंड प्राइवेट कॉलेज दोनों में फ्रेंड्स आपको जो है स्कॉलरशिप का भी बेनिफिट मिलता है एंड आपको स्कॉलरशिप के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स अगर आप, अब मैं ये भी आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप फ्रेंड्स प्राइवेट कॉलेज से इस कोर्स को करना चाहते हैं, जिन बच्चों का फ्रेंड्स गवर्नमेंट कॉलेज में अगर एडमिशन नहीं हो पाता है एंड अगर वे प्राइवेट कॉलेज से भी इस कोर्स को करना चाहते हैं तो उसके लिए जो फीस, उसके लिए जो मिनिमम मार्क्स है फ्रेंड्स वो कम से कम 65 से अबव होना चाहिए। अगर 65 से अबव मार्क्स है फ्रेंड्स तो आपका जो है प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। एंड फ्रेंड्स मैंने प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कॉलेज की फीस आपको इस वीडियो में ऑलरेडी ही आपको बता दिया है। एंड फ्रेंड्स जॉब की जहाँ तक अगर हम बात करते हैं तो इसलिए के लिए फ्रेंड्स आपको जो है 2 years की जो है डिप्लोमा कोर्स, ये जो DLED जो है एक प्रकार का टीचर ट्रेनिंग कोर्स है 2 years का फुल टाइम डिप्लोमा कोर्स। इसकी जो फुल फॉर्म होती है फ्रेंड्स डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन एंड ये 2 years का फुल टाइम डिप्लोमा कोर्स होता है। अगर आप इस कोर्स को करते हैं
एंड उसके बाद फ्रेंड्स आपको सीटेट एग्जाम जो है क्लियर करना होता है पेपर वन प्राइमरी एजुकेशन के लिए, जहाँ PRT जिसे बोलते हैं प्राइमरी टीचर, उसके लिए आपको पेपर वन क्लियर करना होता है। एंड इसके बाद फ्रेंड्स आप जो है जो डिफरेंट पोस्ट पे जो जो है टीचर की वैकेंसी निकलती है फ्रेंड्स, अगर आप उस के लिए मतलब कि उस पोस्ट के लिए जो है अगर आप जो है एग्ज़ाम क्लियर कर देते हैं तो एंड आप इजीली जो है आप मतलब इस जॉब के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, मतलब PRT DGT आप टीचर जो है बन जाते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए। एंड लास्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि जो आपका जो DL टाइप की जो एडमिशन है फ्रेंड्स वो स्टार्ट हो चुका है, एंड 10 अगस्त जो है 10 अगस्त जो है वो लास्ट डेट है, एंड एडमिशन जो है फ्रेंड्स वो 3 या 4 अगस्त से ही स्टार्ट हो गया था। सो फ्रेंड्स आपके पास जो है ओनली 2 डेज का टाइम है। सो अगर आप दिल्ली से DL JBT करना चाहते हैं तो SCERT दिल्ली DL के नाम से ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कराऊंगा, सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।